क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है जो ये आवाज लगाए, ए योगी बाहर निकल, कहां छुपा है, कहां छुपा है। नमस्कार। हाथरस गैंगरेप पीड़िता की सफदरगंज अस्पताल में मृत्यु हो गई। सुनने में घटना छोटी लग रही हो शायद आपको, या फिर ट्रेंडिंग देखते हुए आप 24 घंटे में भूल जाएं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोई अर्नब गोस्वामी नहीं है जो ये आवाज लगाए, ए योगी बाहर निकल, कहां छुपा है, कहां छुपा है। उत्तर प्रदेश की अराजकता की क्या स्थिति है और महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा को लेकर हाथरस की इस गैंगरेप युवती की मृत्यु एक गंभीर प्रश्न चिन्ह। किसी की आंख फोड़ दे रहे हैं, किसी की जीभ काट ले रहे हैं, किसी के पांव तोड़ दे रहे हैं, और इस हाथरस स्पाइन तोड़ दिया, रीढ़ की हड्डी। और 7 दिन तक उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे दौड़ाती रही, उसका मुकदमा भी नहीं लिखा गया। इतनी गैर जिम्मेदार, इतनी अनैतिक, इतनी अवैधानिक, इतनी असंवेदनशील और इतनी अमर्यादित उत्तर प्रदेश की सरकार है। और केंद्रीय समाज कल्याण महिला विकास मंत्री श्रीमती ईरानी जी, जो लूडो खेलने और अंताक्षरी खेलने के लिए विख्यात हैं, क्लैरन कॉल देने की भी उनको आवश्यकता इस समय नहीं है। एनसीआरबी का डेटा उठाएं तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश महिलाओं और बच्चियों की होने वाली घटनाओं, बलात्कार इत्यादि को लेकर नंबर 1 पर है। लेकिन सरकार को खनन, ठेका, पट्टा, ट्रांसफर पोस्टिंग से फुर्सत नहीं। अगर सरकार को फुर्सत होती है तो वो बुलडोजर उठाती है, घर गिरा देती है। राजनीतिक प्रतिशोध और बदले की भावना से कार्यवाही करने के लिए विख्यात माननीय श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, बहुत हुआ तो गाड़ी पलट जाती है। एनकाउंटर पॉलिटिक्स, एनकाउंटर पॉलिसी के लिए उनको हाईकोर्ट ने कई बार अवमानना किया, संज्ञान में लिया। मंचलों के वो पोस्टर लगाएंगे, ये नया शिगुफा है। विकास दुबे की गाड़ी पलट जाती है, वो मृत्यु हो जाती है, उसके साथ तमाम राज दफन हो जाते हैं। लेकिन स्वचालित हथियार उसने, उसको जिसने प्रोवाइड कराए, कार्यवाही तो उन पर भी होनी चाहिए। लाइसेंसी बंदूकों का जखीरा उसको जिन माध्यमों से प्राप्त हुआ, कार्यवाही तो उन पर भी होनी चाहिए। जिन माफियाओं के घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है कि अवैध निर्माण है, तो वो अवैध निर्माण किस महापालिका, किस नगर निगम, किस एक्सियन, किस असिस्टेंट इंजीनियर और किस निगम के अधीन किए गए, कार्यवाही तो उन पर भी होनी चाहिए। तो जो आपका है उसे संरक्षण, वो चाहे बाहुबली हो या माफिया, जो आपका नहीं है वो मुन्ना बजरंगी या सुनील राठी। रिफॉर्म्स की जरूरत किसानों और लेबर लॉज को नहीं है, रिफॉर्म्स की जरूरत है जुडिशियरी को, रिफॉर्म्स की जरूरत है पुलिस को, रिफॉर्म्स की जरूरत है देश की अन्य उन एजेंसीज को, उस ब्यूरोक्रेसी को जो कॉलोनियल टाइम्स की है, जो इन घटनाओं को रोजमर्रा की साग भाजी समझती है, जो महिला और बच्चियों को लेकर इतना भी गंभीर नहीं है। ऐसी अनैतिक, अमर्यादित और इस असंवेदनशील सरकार को नैतिकता के आधार पर श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी को तत्काल प्रभाव से पदमुक्त हो जाना चाहिए। वो एक अयोग्य प्रशासक है, असक्षम व्यक्ति है। जब आपसे 23 करोड़ जनता की आधी आबादी की आप जिम्मेदारी नहीं ले सकते, तो आप अपने मठ में जाइए। डॉक्टर ने नहीं बताया है कि आपका राजा बनना अनिवार्य है,